हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम आप कोले टेलीविजन। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा TCL 32 इंच का एक एंड्रॉइड टीवी है। इसका जो बोर्ड है देखिए, इस बोर्ड का स्टार्टअप सीक्वेंस वेरी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पावर ऑन करूंगा। देखिए, पावर ऑन किया है। ये जो पावर सप्लाई सेक्शन है, इसमें नॉर्मल पावर सप्लाई है। यहाँ से देखिए, ये एक डायोड लगा हुआ है या ये एनोड है, कैथोड है। यहाँ से डाइवर सप्लाई जो है 49 वोल्ट आउटपुट होगा इस डायोड का माध्यम से, यहाँ पर आ जाएगा इस कॉइल का, ठीक है। और ये डाइवर सप्लाई के लिए, और यहाँ से जो है देखिए, ये डायोड इस साइड में एनोड है, यहाँ पर आप वोल्टेज नहीं मिलेंगे, इधर से मिलेंगे। तो यहाँ पर है देखो, तो इधर आएंगे, यहाँ से आपको 12 वोल्ट आउटपुट होगा, 12, ठीक है। इस डायोड का माध्यम से 12 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 12 वोल्ट सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर तो पावर लाइट, देखिए ये व्हाइट लाइट है, पावर लाइट तो आ गया। ये 12 वोल्ट सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इनपुट होगा इस 3 पिन का, इसी का अंदर इनपुट होने के बाद इस कॉइल का माध्यम से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, देखिए इस आईसी का अंदर इनपुट हो जाएगा। उसका बाद इस कॉइल का माध्यम से यहाँ से 1.042 वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। समझ में आया है दोस्तों, मैं क्या इसका स्टार्टअप सीक्वेंस क्या है। तो आप अभी ये दोनों वोल्टेज आउटपुट होगा, प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेसर में जाने के बाद ये पावर लाइट ग्लो होगा। बाकी जो सेक्शन है सब देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें कुछ वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा। यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा है, यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा है, यहाँ पर भी एक कॉइल है, इधर इस साइड इधर देखो, तो कुछ वोल्टेज नहीं रहेगा। अब देखिए इधर कुछ नहीं रहेगा, ये स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद ये वोल्टेज आउटपुट होगा। इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज करूंगा, देखिए स्टैंड बाई रिलीज करूंगा, स्टैंड बाई रिलीज किया, देखिए स्टैंड बाई रिलीज हो गया, यहाँ पर लाइट आ गया। उसका बाद देखो, ये जो यहाँ पर जो कॉयल है, इस कॉयल में कितना वोल्टेज मिलेंगे, 1.483, मान लीजिए 1.5 वोल्ट मान के चलना पड़ेगा। ये 12 वोल्ट इनपुट होगा, सॉरी 3.3 वोल्ट, सॉरी 3.3 वोल्ट इसका अंदर इनपुट होगा, और यहाँ से 1.5 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। इधर देखो, इस कॉयल के माध्यम से 1.5, और इस कॉइल का माध्यम से क्या है देखो, यहाँ पर भी 1.045, यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक 6 पिन का आईसी लगा हुआ है, 12 वोल्ट इनपुट हो जाएगा, 12 वोल्ट इनपुट होगा और 1.046 आउटपुट होगा। और यहाँ पर देखिए, उसको देखने का पहले इधर आइए, इधर देखो, यहाँ पर 3.3 वोल्ट इनपुट होगा, यहाँ पर ये वाला जो 3.3 वोल्ट है, इस वाला यहाँ से 1.8 वोल्ट आउटपुट होगा ये EMMC का सप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉइल लगा है, देखो इसे एकदम एंड में इधर देखो, यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, देखिए इधर थोड़ा सा पीछे चला गया, देखिए इधर भी 12 वोल्ट है, और इस कॉइल का माध्यम से ऐसे 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 5 वोल्ट यहाँ पर जाएंगे, देखो इस ये 5 वोल्ट यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर, और इसका माध्यम से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका स्टार्टअप सीक्वेंस है। दोस्तों वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है तब जरूर हम चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेट प्रोग्राम अटेंड करना चाहता है, नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा 7 अगस्त, उसी प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए आपको फोन करना पड़ेगा, हमारा जो नंबर है स्क्रीन में देखिए, और बांग्लादेश से प्रोग्राम में अटेंड करते चाहिए बांग्लादेश से दिया नंबर अपना जोगाजोग करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।